आज हम इंजीनियर्स के लिए फर्म रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर और प्रोसेस डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। इन हालात में इंजीनियर्स अपनी एक्सपर्टीज को अपने बिजनेस में यूटिलाइज करके अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और फ्यूचर में दूसरे इंजीनियर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल फ्रेश इंजीनियर्स को प्रमोट करती है कि वो खुद अपनी C6 कैटेगरी की फर्म रजिस्टर कराएं। डिफरेंट कैटेगरीज की फर्म पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें C6 कैटेगरी की फर्म सबसे बेसिक कैटेगरी है। C6 कैटेगरी फर्म के लिए जस्ट एक PEC रजिस्टर्ड इंजीनियर रिक्वायर होता है और ये C6 फर्म अप टू 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ के कॉस्ट के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकती है। C6 की फर्म की रजिस्ट्रेशन फी 15,000 रुपीज़ है, जो आप MCB और HBL में जमा करा सकते हैं। C6 फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए इंजीनियर्स को एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एज अ कॉन्ट्रैक्टर PEC की वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है, जो आप फिल करके सबमिट करा सकते हैं। इसके साथ 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर अंडरटेकिंग देना होगा, जिसमें आप अपना नाम, PEC नंबर और आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे PEC को कि हमने इस कैटेगरी की फर्म को रजिस्टर कराना है। और साथ फर्म के नाम के लिए एक एनेक्स्टर है, जिसमें 3 नाम आप चॉइस कर सकते हैं और वह प्रायोरिटी वाइज आप लिखेंगे। जो नाम भी अवेलेबल हुआ तो PEC आपको अलॉट करेगी। जिसके साथ जो इंजीनियर अपनी फर्म रजिस्टर कर रहा है वो अपनी CV और NTN नेशनल टैक्स नंबर। सो PEC से कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करने होंगे और आपको FBR से रजिस्टर होना होगा। जब आप FBR से रजिस्टर होंगे तो आपको NTN नंबर प्रोवाइड होगा। और C6 कैटेगरी के फर्म के लिए आपको नेटवर्थ 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख रुपए आपको रिक्वायर होते हैं, जो आप अपने जो भी एसेट्स हैं उनके एविडेंस शो करके आप इसको इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। और इसके साथ आपने जो 15,000 का जो फी वाउचर होगा बैंक से, वो आपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराना होगा। जब C6 कैटेगरी की फर्म PEC से रजिस्टर्ड होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आपको मेंटेनेंस के कोर्स जो है वो मिलेंगे, मतलब कि आप न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए अभी कैपेबल नहीं है, पहले आपने मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो अप टू 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ के मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स आपको करना होंगे, जिसमें आप रिपेयर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, एलाइड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क्स, वाटर सप्लाई, सैनिटरी, ड्रेनेज सप्लाई, प्लम्बरिंग वर्क्स और डिफरेंट टाइप के आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आप कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उस पर आप उनसे सबलेट पे काम ले सकते हैं। जब आप सबलेट पे काम लेंगे और उस पर आप उनसे एक्सपीरियंस, उसका लेटर लेंगे, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट लेंगे और उससे रेलिवेंट आप इंजीनियर को हायर करेंगे, तो आप उस रेलिवेंट आपको कोड मिलेगा और साथ आप अपनी कंपनी को और इंजीनियर्स हायर करके आप उसको अपग्रेड करेंगे और इंशाल्लाह आप एक टाइम पे आके आपकी कैटेगरी CA हो जाएगी, जो मैक्सिमम कैटेगरी है, जिसमें आप मैक्सिमम नो लिमिट के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट की कोई लिमिट नहीं होगी और आप मेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकेंगे, के जरिए आप लाखों इंजीनियर्स और लाखों बेरोजगार लोगों को भी आप इम्प्लॉय इंशाल्लाह कर लेंगे फ्यूचर।